द्वारकापुरी पुलिस ने ऐसे शातिर नकबंजन की गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो कार चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पकड़े गए आरोपी से दो कार व एलईडी टीवी मोबाइल बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार द्वारकापुरी क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व कार चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुराना शातिर नकबंजन अजहर उर्फ समीर द्वारा वारदात की गई है। तफ्तीश के दौरान अजहर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने चोरी करना कबूल किया है। साथ ही एक अन्य कार चोरी व एलईडी चोरी का भी खुलासा हुआ। पुलिस ने नकबंजन से चोरी की दो कार, एलईडी टीवी, एक मोबाइल बरामद कर लिया है। इस आरोपी से और भी मामले के खुलासा होने की संभावना है। ये थाना द्वारकापुरी में कुछ दिनों पहले एक नकबजनी हुई थी जिसमें एक i10 गाड़ी चोरी हुई थी और उसमें पुलिस लगी हुई थी। उसको सीसीटीवी फुटेज और आसपास मुखबिरता को सक्रिय किया गया था और उसके बाद इनको सूचना मिली थी कि एक पहले का एक शातिर नकबजन है जिसका नाम अजहर उर्फ समीर है, महू का रहने वाला है और वो आसपास वहीं गाड़ी बेचने के लिए जानकारी इकट्ठी कर रहा है, डीलरों से संपर्क कर रहा है। तो इसमें इन्होंने जानकारी इकट्ठी की और उसके बेसिस पे इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसके पास से ये i10 गाड़ी जब्त की गई और उनसे पूछताछ की गई। उस पूछताछ के दौरान इसने और भी घटनाएं कबूल की हैं। एक इन्होंने मारुति 800 भी चोरी की थी पहले, उसको भी रिकवर किया गया है। इसके अलावा नकबजनी में इन्होंने एक एलईडी टीवी जो चोरी की थी और एक फ़ोन चोरी किया था, वो एलईडी टीवी इन्होंने एक मोहम्मद इमरान जो कि महू का ही रहने वाला है उसको इन्होंने बेचा था, उसके थ्रू रिकवर किया गया है और एक मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किया गया है। और जो ये अजहर उर्फ समीर है महू का रहने वाला है और इस पर कई पुराने अपराध भी पंजीबद्ध है। जूनी इंदौर, रावजी बाजार और राजेंद्र नगर, इस तरह के थानों में कई अपराध इस पर पंजीबद्ध हैं। सर, चार पहिया वाहन को कैसे टारगेट करते हैं कोई इस पर?